बरेली के सिविगंज थाना क्षेत्र में मां को भगाकर ले जाने वाले युवक को महिला के दो बेटों ने गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं गोली मारने के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए। इस बीच सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। दरअसल सिविगंज थाना क्षेत्र के बीबियापुर चौधरी का रहने वाला 25 वर्षीय विकास एक साल पहले पड़ोस के गांव की रहने वाली मदन लाल की पत्नी किरण को भगाकर ले गया था, लेकिन बीते 2-3 महीने पहले दोनों में किसी बात को लेकर अनबन हो गई, जिसके बाद किरण अपने घर लौट गई। वहीं मां को भगाकर ले जाने के बाद से किरण के दोनों बेटे रोहित और सुरजीत विकास से रंजिश रखने लगे। इधर आज सुबह जब विकास टहलने के लिए घर से सिविगंज की तरफ आ रहा था, तभी रोहित और सुरजीत ने रास्ते में सुनसान जगह देखकर विकास के पेट में गोली मार दी, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। वहीं गोली की आवाज़ सुनकर पहुंचे राहगीरों को देखकर दोनों आरोपी वहां से फरार हो गए। इस बीच सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। दुश्मनी चल रही साहब, दो लौंडों ने मेरे गोली मार दी, रोहित और सरजीत। किस बात को लेकर मतलब रंजी चल रही है? उनकी माँ को लेकर भाग गया था मैं पहले। अच्छा, पड़ोस के ही है? हाँ, थोड़ा 5-6 किलोमीटर के दायरे में गांव है। कब लेकर भागे थे उनकी माँ को? अरे पिछली सर्दी की बात है साहब। अच्छा, पिछली दिवाली की। अच्छा। अब वो अपने घर पे है, मैं अपने घर पे हूँ। वो इसी दुश्मनी को लेके उन्होंने बोली। तो माँ उसके साथ में रहती हैं? अलग हो गई? अलग हो गई है। कब मारी थी गोली आपकी? लगभग 7 बजे के टाइम।